रुपये कमाता है, कोई 20,000 रुपये कमाता है, फिर वो अपने बच्चों बाल बच्चों को घर में पालता है। मेरे बच्चे घर में 3 दिन से सर भूखे हैं। अब हम 1.5 महीने से तंग आ चुके, अब हमारा रमज़ान का महीना भी आ रहा है, चल रहा है, हम अब घर जाना चाहते हैं। हम इस साल से गुजारिश करते हैं कि हमें परमिशन दीजिए और थोड़ा गाड़ियों का बंदोबस्त कीजिए, लखनऊ तक हम घर जाना चाहते हैं। लॉकडाउन दौरान लुधियाना विच फसे कश्मीरी कामे सोमवार नूं पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल नूं मिले आते उन्होंने उन्हां नूं वापस जम्मू कश्मीर भेजे जाण दी मांग कीती। जिन्हां दा कहना सी कि उन्हां दे कोल खाण पीण वास्ते राशन नहीं है, एक एक कमरे विच ओह 9-9 लोक रह रहे ने अते उन्हां दी हालत हुण वध तों बदतर हो चुकी है। हुण पुलिस कमिश्नर ने यह मामला जम्मू कश्मीर प्रशासन दे नाल डिस्कस करन दी गल आखी है ते देखना ही होवेगा कि किद्दां हुण यह कश्मीरी लोग अपने सूबे वापस जांदे ने। मेरा नाम है परवेज अहमद, हम कश्मीर के रहने वाले हैं सर। विंटरों में हम यहाँ काम करने के लिए आ रहे हैं। कोई 10,000 रुपया कमाता है, कोई 20,000 रुपया कमाता है, फिर वो अपने बच्चों बाल बच्चों को घर में पालता है। मेरे बच्चे घर में 3 दिन से सर भूखे हैं। मसला ये है सर, हम लोग 8-9 बंदे एक एक कमरे में बैठे हैं सर, हमारे पास कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है सर। एक दिन प्रशासन हमको यहाँ से एक दिन एक एक किलो दाल दिया, बस एक महीने 4 दिन हमको एक एक कमरे में हो गए सर। फैन भी नहीं है सर, बस ये सुमानी बिल्डिंग के पास सर। मसला ये है सर, और हम रिक्वेस्ट करते हैं जो कश्मीर के सर LG साहब है, गवर्नर साहब है, यहाँ DC साहब जो लुधियाना के, इससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमको सर परमिशन दे दीजिए, हम लखनपुर तक जाएंगे सर। आगे हम रिक्वेस्ट करेंगे LG साहब से, वो हमारे साथ क्या करता है। अब्दुल रशीद मीर, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, कश्मीर का रहने वाला हूँ, जम्मू कश्मीर का। सर अब हम यहाँ पिछले 7 महीने से कुछ काम कर रहे हैं सर। 230 आदमी की तादाद है हमारी, जिसमें लेडीज़ और बच्चे भी और स्टूडेंट भी है। अब हम जब से लॉकडाउन 20 तारीख से हो गया, 22 तारीख से, तब से हम अंदर अंदर बैठे हैं। अब हम 1.5 महीने से तंग आ चुके, अब हमारा रमज़ान का महीना भी आ रहा है, चल रहा है, हम अब घर जाना चाहते हैं। हम रीस साहब से गुजारिश करते हैं कि हमें परमिशन दीजिए और थोड़ा गाड़ियों का बंदोबस्त कीजिए, लखनपुर तक हम घर जाना चाहते हैं। आपको यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो हमें रमज़ान का महीना है, गर्मी है, अब हमें 7 महीनों से, अब हम हर एक इंसान घर जाना चाहता है 7 महीने के बाद, क्योंकि ये महामारी का महीना, सारा मुल्क की हालात ख़राब है, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कम होता नहीं जा रहा है, इसलिए हम अब घर जाना चाहते हैं। जो इनके पास फॉर्मेलिटी है वो हमें कीजिए, चाहे टेस्ट है, जो कुछ या क्वारंटाइन है, वो हम सब मतलब तस्लीम कर रहे हैं। जैसे देखा जाए आपके साथ कितने बंदे इस वक्त सर? क्या हम 230 आदमी लुधियाना में काम कर रहे हैं जी। जी हम नीम वाले चौक में रह रहे हैं, कुछ बस स्टैंड रह रहे हैं, कुछ इकबालगंज में रह रहे हैं, लेकिन रहते हैं प्रॉपर लुधियाना में ही सब। काफ़ी सारे कश्मीरी लोग हैं जो कि लुधियाना में रह रहे हैं, तो उन्होंने अभी प्रशासन को पूछा है कि अरेंजमेंट उनके बाहर जाने का किया जाए, क्योंकि J&K का जो बॉर्डर है वो सील हुआ हुआ है। इसलिए हम लोग वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर्स को पूछ रहे हैं, अगर उनको कोई आपत्ति नहीं होगी तो यहाँ पे मेडिकल करवा के हम लोग फिर इनको भेजने का अरेंजमेंट करेंगे, और NOC के बाद में इनकी जो आगे की प्रक्रिया है वो की जाएगी। ये ज़्यादातर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हैं? हाँ, जिस भी कुछ और डिस्ट्रिक्ट के भी हैं, काफ़ी कुपवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट के भी हैं, तो इनकी सहूलत का ध्यान में रखते हुए जल्दी ही इसमें J&K एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके इस मुद्दे का हल निकाला जाएगा। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਪਿਨ ਮਹਿਰਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ।